नमस्कार बच्चों, आज हमारा टॉपिक है बच्चों राष्ट्रपति की शक्तियाँ। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रपति की विधायी, कार्यपालिका और वित्तीय शक्तियों के बारे में पढ़ा था बच्चों। आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ और तीसरा है बच्चों सैनिक शक्तियाँ। सबसे पहला न्यायिक शक्तियों की बात करें बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है उनकी नियुक्ति करने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको नियुक्त करने का कार्य भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा बच्चों राष्ट्रपति परामर्श लेने का कार्य करता है। अनुच्छेद 143 के अनुसार, अनुच्छेद 143 कहता है कि सर्वोच्च राष्ट्रपति किसी भी विधि संबंधी मामले में उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, लेकिन राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। कुल मिलाकर के बात यह है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श दिए जाने पर उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देता है, तो राष्ट्रपति परामर्श लेने का अधिकार रखता है। राष्ट्रपति उस परामर्श को माने ऐसी बाध्यता नहीं है। अगर उच्चतम न्यायालय से कोई परामर्श मांग रहा है और 1973 का से पहले के कोई भी प्रश्न है तो उस पर सर्वोच्च न्यायालय को बाध्य किया जा सकता है कि वो उस पर अपना मत दे। 1973 के बाद अगर कोई मामला है उस पर उच्चतम न्यायालय बाध्य नहीं है बच्चों। 1973 का से पहले के अगर मामले हैं तो उसमें राष्ट्रपति को बाध्य किया गया है, तो परामर्श लेने का कार्य करता है। इसके अलावा बच्चों अनुच्छेद 74 के अनुसार बच्चों ध्यान रखना कि राष्ट्रपति जो होता है वो क्या कर सकता है? क्षमा, इसके अलावा परिहार, लघुकरण और विराम, लघुकरण और विराम, तो ये चारों चीजें जो है तीन रूपों में कर सकता है। मतलब ये किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है, किसी भी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, किसी भी व्यक्ति की सजा को स्थगित कर सकता है और किसी भी व्यक्ति के मृत्यु दंड को भी माफ करने का अधिकार राष्ट्रपति रखता है। अनुच्छेद 74 के अनुसार किसी भी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है और मृत्यु दंड तक को माफ करने का पावर जो है वो किसके पास है? वो राष्ट्रपति जी के पास है। इन चारों स्थितियों का अनुकरण या सजा को कम तीन स्थितियों में ही कर सकता है। अगर मामला सैनिक न्यायालय में चल रहा हो तब उस मामले में मृत्युदंड को माफ कर सकता है। कार्यपालिका से संबंधित कोई भी प्रश्न है या किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है उन स्थितियों में किसी भी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है और मृत्यु दंड को माफ करने तक का अधिकार राष्ट्रपति के हाथों में आ जाता है बच्चों। सबसे पहला है क्षमा। क्षमा का मतलब है किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर देना। सजा को माफ करने का मतलब ये नहीं है कि केवल सजा को माफ करना, बल्कि समाज में जो उसकी प्रतिष्ठा व सम्मान थी वो वापस उसको सम्मान दिलाना क्षमा करना है। उसके बाद आता है परिहार। बिना प्रकृति को चेंज किए हुए दंड को कम कर देना ही परिहार कहलाता है। यहाँ पर दंड को क्या किया जाता है?
कम किया जाता है। यहाँ पर प्रकृत दंड के रूप का ही परिवर्तन कर दिया जाता है, दंड के रूप का परिवर्तन कर दिया जाता है और विराम में दंड को रोक दिया जाता है। तो ये चार काम समा कर सकता है, परिहार कर सकता है, लघुकरण कर सकता है और विराम करने का कार्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है, ये उसके पास क्या है, न्यायिक पावर है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। अब आता है बच्चों आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की बात करें बच्चों तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान का भाग 18 करता है। प्रेरणा हमने दक्षिण अफ्रीका से ली और आपातकालीन जो शक्तियां हैं उसका उल्लेख अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक मिलता है। इसमें तीन अनुच्छेद बच्चों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है बच्चों अनुच्छेद 352। कौन सा आता है? अनुच्छेद 352। तो क्या है अनुच्छेद 352 में बच्चों, वो देखते हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की बात करता है। किसकी बात करता है? राष्ट्रीय आपात की बात करता है। राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जा सकता है और तीन स्थितियों में लगाया जा सकता है। पहला है बाहरी आक्रमण। क्या हो जाए? बाहरी आक्रमण हो जाए या युद्ध की स्थिति, या तीसरा आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति, इस आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। कि अगर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति है, युद्ध की स्थिति है, बाहरी आक्रमण की स्थिति है तो हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो सकती है। और जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के अंडर में सारे पावर आ जाते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। और अब तक हमारे देश में 3 बार आपातकाल लागू किया जा चुका है। वो कब कब किया गया बच्चों? सबसे पहले ध्यान रखना 1962 में, जब भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ, भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ, उस समय हमारे भारत में सबसे पहला आपातकाल लगाया गया था और उस समय हमारे भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन ने हमारे देश में पहला आपातकाल लगाया 1962 और ये आपातकाल 1962 से 1968 तक रहा। फिर आता है बच्चों दूसरा आपातकाल लगाया गया 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ बच्चों 1971 में। उसके बाद शिमला समझौता भी हुआ था 1972 में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ, इस युद्ध के उपरांत जो है भारत के राष्ट्रपति उस समय थे वीवी गिरी साहब। कौन थे? वीवी गिरी साहब थे। और वीवी गिरी साहब ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी और ये जो आपातकाल था बच्चों 1971 में आया। फिर आया तीसरा आपातकाल 1975 में। 1975 में जो आपातकाल आया बच्चों, उस समय हमारे देश में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उस समय हमारे देश में कौन सा? सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, हमारे देश में आंतरिक अशांति का माहौल था, गृह युद्ध की संभावनाएं बढ़ती जा रही थी। तो हमारे देश में 1975 में भी आपातकाल लगा और सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल लगा। इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी और हमारे देश के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन साहब। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद हमारे देश के उस समय प्रधानमंत्री थे। तो बच्चों हमारे देश में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। पहला आपातकाल लगा 1962 में, दूसरा लगा 1971 में और तीसरा लगा 1975 में। अब तक 3 बार आपातकाल लग चुका है। 2 आपातकाल लगे युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति में,
और तीसरा आपातकाल लगा बच्चों 1975 में। एक बात ध्यान रखना कि जब सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल लगता है तो मौलिक अधिकारों का निलंबन नहीं होता है, और आपातकाल लगने पर बच्चों अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर सबसे पहले निलंबित होता है आपका अनुच्छेद 19। स्वतंत्रता के अधिकार का सबसे पहले आपातकाल में निलंबन होता है, लेकिन हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 जो कि 1978 में आया और 1979 में जिसको लागू किया गया, उस संविधान संशोधन के आधार पर कहा गया कि अनुच्छेद 359 में ये बात कही गई कि अनुच्छेद 20 व 21 को राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी हालत में क्या नहीं किया जा सकता, संशोधित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 359 में ये बात कही गई थी कि 20 व 21 को लागू राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में 20 व 21 को मना कर दिया कि किसी भी प्रकार से निलंबित नहीं किया जा सकता। तो ये हुआ बच्चों अनुच्छेद 352। और ध्यान रखना कि जब राष्ट्रपति 352 लगा देता है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देता है, तो एक माह के अंदर अंदर संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। संसद अगर एक महीने के अंदर उसको अनुमोदित करता है तभी वो आपातकाल आगे जारी रहता है, और कितने भी समय तक आपातकाल को चलाया जा सकता है संसद की संस्तुति पर, संसद की सहमति पर इस आपातकाल को जारी रखा जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल में राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की लिखित सलाह पर, मंत्री परिषद की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। तो ये हुआ बच्चों अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। इससे पहले हमने, इसके बाद आता है बच्चों अनुच्छेद 356। तो 352 में हमने क्या देखा, अनुच्छेद 352 में देखा कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ये तीन स्थितियों में लागू होता है बच्चों, पहला भारी आक्रमण, दूसरा है आपका युद्ध, और तीसरा है आपका आंतरिक अशांति, और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लागू रहता है। हमारे देश में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। पहला जब आपातकाल लगा 1962 में, उस समय हमारे भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन, और 1971 में जब दूसरा आपातकाल लगा बच्चों, उस समय हमारे दूसरा आपातकाल 1971 में लगा जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, और तीसरा लगा 1975 में जब हमारे भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उस समय हमारे देश में गृह युद्ध की संभावना रही, और उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे फखरुद्दीन अली साहब। तो ये हुआ बच्चों राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा जो आपातकाल है बच्चों वो है अपना अनुच्छेद 356। क्या है अनुच्छेद 356 में, वो देखिए बच्चों, अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल की बात करता है। राज्य आपातकाल, किसी भी राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है बच्चों, और अनुच्छेद 356 में आपातकाल कब लगाया जाता है, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, संविधान के नियमों के अनुसार अगर राज्य सरकारें काम नहीं करे, तो उस स्थिति में एक राज्य या दो से अधिक राज्यों में एक साथ भी आपातकाल लगाया जा सकता है, और ये आपातकाल की जो जानकारी देता है वो उस राज्य का राज्यपाल देता है, और राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति उस राज्य में राज्य आपातकाल की घोषणा कर देता है। राज्य आपातकाल लागू हो गया, आपातकाल लागू होने के 2 महीने के अंदर, आपातकाल लागू होने के 2 महीने के अंदर उसको संसद में क्या करना पड़ेगा, उसको पेश करना पड़ेगा और उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, अगर नहीं ली तो आपातकाल समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपातकाल को, राज्य आपातकाल को 3 साल तक
लागू रख सकते हैं। 3 साल से ज्यादा राज्य आपातकाल को लागू नहीं रखा जा सकता, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल लागू रह सकता है, लेकिन राज्य आपातकाल को 3 साल से ज्यादा लागू नहीं रखा जा सकता। अगर 1 साल से ज्यादा लागू रखना है तो निर्वाचन आयोग की क्या लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। अब राज्य आपातकाल अब तक भारत में 100 से ज्यादा बार राज्य आपातकाल लागू हो चुका है। सबसे पहले पंजाब में आपातकाल लगा था। अब तक भारत में जो है मणिपुर है आपका, यूपी है, इनमें सबसे ज्यादा बार आपातकाल लागू किया जा चुका है। तो राज्यों में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है तो उस समय की स्थिति में क्या लगाया जाता है, राज्य आपातकाल लगाया जा सकता है। राज्य आपातकाल को 3 साल तक लागू रखा जा सकता है, और अगर आपातकाल लागू रखना है तो 2 महीने के अंदर अंदर हमें संसद की परमिशन लेनी पड़ती है। राज्य आपातकाल की स्थिति में उस राज्य की शासन व्यवस्था और राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राष्ट्रपति के हाथों में आ जाता है, और राष्ट्रपति अपने निर्देशों के अनुसार वहां का जो राज्यपाल होता है उसको वहां की शासन व्यवस्था का भार दे देता है। तो राज्यों में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के अंडर में समस्त सत्ता आ जाती है, और राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास आ जाता है। बच्चों अब बात आती है, बच्चों तीसरा जो आपातकाल है बच्चों, अनुच्छेद 360 के अंदर बच्चों वित्तीय आपातकाल होता है। कौन सा आपातकाल होता है बच्चों, वित्तीय आपातकाल होता है। अगर हमारे देश की कंडीशन, आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही है तो उस समय वित्तीय आपातकाल को लागू किया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल को भी वो ही 2 महीने के अंदर संसद में क्या करवाना पड़ेगा, 2 महीने के अंदर संसद में इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अब तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। वित्तीय आपातकाल की स्थिति में जितने भी राज्य पदाधिकारी और लोक सेवक हैं, उनके वेतन और भत्तों में क्या की जा सकती है, वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है वित्तीय आपातकाल को लेकर के। ये है आपकी वित्तीय शक्तियां कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपातकाल लगाया जाता है, और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल भारत में लगाया जा सकता है। इसके अलावा हमने न्यायिक शक्ति देखी, आपातकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ा। तो न्यायिक शक्तियों में आपने देखा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, परामर्श लेने का कार्य करता है। अनुच्छेद 143 के अनुसार विधि संबंधी प्रश्नों पर उच्चतम न्यायालय उसको परामर्श देता है, लेकिन राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 54 के अनुसार क्षमा, परिहार, लघुकरण और विराम, इन माध्यम से राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, प्रकृति को चेंज कर सकता है, और यहाँ तक कि मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है। ये सारी चीजें किन परिस्थितियों में कर सकता है, अगर मामला सैनिक न्यायालय का हो, अगर मामला कार्यपालिका से संबंधित हो, अगर मामला मृत्यु दंड से संबंधित हो तो ही राष्ट्रपति उसकी सजा को माफ कर सकता है। बच्चों ये है आपकी न्यायिक शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां मैंने 3 आपातकाल बताए, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल, और अनुच्छेद 360 राष्ट्रीय आपातकाल। इन तीनों आपातकालीन स्थितियों में समस्त पावर बच्चों राष्ट्रपति के हाथों में आ जाता है, लेकिन आपातकाल जो है उसका प्रयोग राष्ट्रपति किसकी संस्तुति पर कर सकता है, मंत्रिपरिषद की लिखित संस्तुति के आधार पर ही आपातकाल चला सकता है। 1975 में इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाया तो इसी समय उसने इसका प्रयोग नहीं किया था, मंत्रिपरिषद की अनुमति नहीं ली गई थी, तो इस आपातकाल को संवैधानिक नहीं माना गया था, और उस समय एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बना था। अब आता है बच्चों सैनिक शक्ति।
सैनिक शक्तियों की बात करें बच्चों, तो हमारा भारतीय संविधान जो है, हमारा भारतीय संविधान है उस भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54(2) कहता है कि सर्वोच्च सेना का कमांडर जो होता है वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। सर्वोच्च सेना का कमांडर जो है वो किसको माना गया है? राष्ट्रपति को माना गया है। हमारे देश की सर्वोच्च सैनिक शक्ति जो है वो राष्ट्रपतियों को दी गई है। इसके अलावा बच्चों, विश्वविद्यालयों के जो कुलपति है उनकी नियुक्ति करने का कार्य भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्योंकि विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति किसको माना जाता है? जो सेंट्रल विश्वविद्यालय है उनका कुलाधिपति राष्ट्रपति को माना जाता है। इसके अलावा कूटनीतिक शक्तियां भी राष्ट्रपति को प्राप्त है बच्चों। कूटनीतिक शक्तियों में आप जान सकते हैं, विदेशों में अगर राजदूत भेजने हैं तो राजदूतों को भेजने का या राजदूतों को नियुक्त करने का कार्य भी राष्ट्रपति के हाथों में है। राजदूतों के हाथों जो परिपत्र दूसरे देशों में भेजा जाता है वो भी राष्ट्रपति जी के द्वारा ही भेजा जाता है। इसके अलावा मैंने एक शक्ति और बताई थी आपको, स्व विवेकीय शक्तियों में राष्ट्रपति, गठबंधन जब सरकार होती है उस समय प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को नियुक्त करने में जो राष्ट्रपति है वो स्वय विवेक का उपयोग करता है। इसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में नहीं है। तो बच्चों, हमने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैनिक शक्ति, कूटनीतिक शक्ति, स्वय विवेकीय शक्तियां, विधायी शक्तियां, ये सारी शक्तियों के बारे में क्या किया बच्चों? अध्ययन किया है। इसके अलावा बच्चों, राष्ट्रपति को एक ही प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, वो आपको ध्यान रखना है, महाभियोग प्रक्रिया, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अनुच्छेद जो 61 है महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख करता है। महाभियोग शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 56 में मिलता है, जबकि महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में हमें देखने को मिलता है। तो राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया के लिए 14 दिन की पूर्व सूचना देनी पड़ेगी, उसके बाद संसद के 2/3 बहुमत के आधार पर राष्ट्रपति को संविधान का कदाचार करने के आधार पर उसके पद से पदच्युत किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को केवल महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही पदच्युत किया जा सकता है, लेकिन अब तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा निलंबित नहीं किया गया है बच्चों। केवल मामले आए हैं, लेकिन आज तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया है। तो बच्चों, संघीय कार्यपालिका का प्रधान होता है हमारा राष्ट्रपति, लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण ये केवल नाम मात्र का अध्यक्ष है। इसके नाम पर समस्त कार्यपालिका चलती है। हमारा अनुच्छेद 77 कहता है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के नाम से चलेगी और मंत्रियों से किसी भी प्रश्न के विषय में सूचना प्राप्त कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति को समस्त सूचनाएं प्रधानमंत्री उपलब्ध करवाएगा, ये हमारा भारतीय संविधान कहता है बच्चों। राष्ट्रपति के नाम से शासन चलेगा ये कहता है अनुच्छेद 77, जबकि राष्ट्रपति मंत्रियों से किसी भी प्रश्न पर प्रश्न पूछ सकता है, जानकारी प्राप्त कर सकता है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का दायित्व होगा कि वो उनको सूचना उपलब्ध करवाए। तो बच्चों, आपने क्या देखा? राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में अध्ययन किया। आगे के वीडियोस में हम संघीय कार्यपालिका के बाकी हिस्सों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हमने राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ा है, सुना है, समझा है। तो राष्ट्रपति को समझने के लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, लाइक्स करने होंगे, शेयर करने होंगे और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स देने होंगे, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह वीडियो बनाती रहूं। धन्यवाद।